जाए। अब क्या हुआ कि सखियों ने श्री सीता जी ने राम जी को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए, तो सखियों ने कहा कि अब नेत्र बंद करके पूजा बाद में करना, पहले श्री राम जी को देख लो नहीं तो चले जाएंगे। तो श्री जानकी जी संकोच में पड़ जाती है और सखियों के साथ में लौट करके वापस माँ भवानी के पास में आने लगती है। तो इधर श्री राम जी भी यहाँ से चलते हैं पुष्प लेकर के, और इधर श्री जानकी जी वापस माँ भवानी के पास में आती है और मैया से प्रार्थना करती है। तो माँ ने कहा कि आप तो आराधना करके चली गई थी, डबल से वापस क्यों आ गई? तो श्री जानकी जी ने कहा कि मैं है ना पहले पूजा ही आरती उतारी थी, चालीसा पढ़ना भूल गई थी, तो मैं अब आपका चालीसा पढ़ने आई हूँ। तो मैया ने कहा कि अच्छा पढ़ो। तो श्री माता श्री जानकी जी मैया भवानी की का चालीसा पढ़ती है चार चौपाइयों में। जय जय गिरी बलिराज की सोरी, जय किशोरी हे हिमालय राज्य की पत्नी, हिमालय राज्य की बेटी, सबसे पहले नारी की पहचान पिता से होती है। तो जय जय गिरवर राज किशोरी हिमालय राज्य की बेटी, जय महेश मुख चंद चकोरी भगवान श्री महादेव जी की पत्नी, और जय गजवदन सडानन माता श्री गणेश जी और श्री कार्तिक जी की माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले। आप जानती है कि मेरे मन में किसकी छवि है। तो माँ ने आशीर्वाद दिया कि हाँ मैं तो दे ही चुकी हूँ, सहज होगा, सुंदर होगा, गुणवान होगा। तो बोले सहज भी होगा, सुंदर भी होगा, गुणवान होगा, परंतु मेरे वर का रंग आप बता दो। तो श्री माँ ने कहा कि ठीक है, सांवरा आपका वर होगा। तो मैया प्रसन्न हो गई है। सखियों के साथ में जानकी जी आ जाती है, श्री राम जी भी गुरु जी के पास में आ जाते हैं। रात्रि का समय हुआ, प्रातःकाल हुआ, समय बीता और प्रातःकाल हुआ। शतानंद महाराज जी ने बुलवाया है कि श्री राम जी और लक्ष्मण लाल जी विश्वामित्र जी के साथ में चलिए। अब श्री विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी जैसे यहाँ से प्रस्थान किए, तो मिथिला में श्री महाराज दशरथ जी ने जहाँ मंडप था धनुष यज्ञ, वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की है, सारे लोगों के लिए श्रेणीबद्ध तरीकों से सबको बैठाया है। अब जैसे श्री राम जी ने प्रवेश किया, तो श्री राम जी अब चूंकि यहाँ पर द्वीप द्वीप के सारे राजा महाराजा तो आए हैं, बल्कि यहाँ से यहाँ राक्षस लोग भी रूप बदल करके आए हैं, देवता लोग भी रूप बदल करके आए हैं, क्योंकि साधारण
धनुष यज्ञ तो है नहीं, तो सारे लोग स्वयंवर में विराजमान हुए मने पधारे हैं। तो अब जैसे श्री राम जी ने प्रवेश किया तो सारे लोगों ने अलग अलग भाव से देखा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसे, अलग अलग भाव से लोग बैठे थे इसलिए अलग अलग भाव से श्री राम जी की छवि सबको लगी है। संतों ने श्री राम जी को स्वामी के रूप में देखा, राक्षसों ने साक्षात भगवान को काल के रूप में देखा। और ऐसा कब होता है कि जब जो भावना हृदय में भरी रहती है, जैसा कहते कि जैसा चश्मा लगे वैसी सृष्टि दिखे, तो ये बात सत्य भी है। एक बार चिड़िया एक दुकान पर सुबह सुबह बोल रही थी, तो महात्मा जी आए, बोले देखो चिड़िया कितना सुंदर सुंदर बोल रही है। क्या बोल रही है? बोले ये बोल रही है कि राम दशरथ लक्ष्मण, राम दशरथ लक्ष्मण, ये बोल रही है। तो दुकान वाला आया, बोले नहीं नहीं महात्मा जी आप गलत सोच रहे हो, ये नहीं बोल रही है। बोले तब क्या बोल रही है? बोले ये बोल रही है कि धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक। अब ये धनिया मिर्ची अदरक बेचता था तो इसकी खोपड़ी में धनिया मिर्ची अदरक भरा। बोले ये तो ये बोल रही है कि धनिया मिर्ची अदरक है। तो उधर से एक व्यक्ति जो सुबह सुबह दौड़ लगाता वो आया, बोला अरे आप दोनों गलत बोल रहे हो, ये थोड़ी बोल रही है, ये बोल रही है कि सुबह उठो दौड़ो, सुबह उठो दौड़ो, सुबह उठो दौड़ो। अब वो चिड़िया कुछ भी बोल रही है वो जाने और भगवान जाने, लेकिन इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से गणित लगा लिया कि ये बोलती है। महात्मा जी साधु है इसलिए उन्होंने साधु का अर्थ लगा लिया, दुकान वाला दुकानदारी करता है तो उसने वो अर्थ लगा लिया, और दौड़ने वाला दौड़ता है इसलिए उसने वो अर्थ लगा लिया। लेकिन वास्तव में तो वो जाने, ईश्वर जाने कि वो क्या बोल रही है। तो उसी प्रकार श्री राम जी नहीं बदले हैं, राम जी तो वही है, लेकिन यहाँ पर लोगों के देखने के भाव बदल गए हैं। सारे लोगों ने, जिनके देवता लोग जो बैठे हैं तो वो उन्हें साक्षात स्वामी के रूप में देख रहे हैं, राक्षस लोग बैठे हैं तो साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह अलग अलग भाव से लोग बैठे तो अलग अलग श्री राम जी दिखाई दे रहे हैं। अब ऊंचे सिंहासन पर जैसे बैठाया तो नीचे के जो राजा थे, अब हर अच्छे प्रसंग में अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले राजा है उन्होंने तुरंत गणित लगा कि देखा महाराज जनक जी ने हमारे साथ कितनी बड़ी बेईमानी करी है। बोले क्या बेईमानी करी? बोले देखो इन छोटे छोटे वर्ग के राजाओं राजकुमारों को इतना ऊंचा स्थान दे दिया और हम लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं, नीचे हमको बैठाया है, इनको इतना ऊंचा स्थान दे दिया। तो जो सज्जन राजा थे उन्होंने कहा कि पागलो तुम इनको देख रहे हो, इनके साथ में जो महात्मा जी उन पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है? विश्वामित्र जी का उस समय बहुत बोलबाला था। तो बोले गुरु जी का सम्मान हो रहा है, उनका थोड़ी हो रहा है। बोले अच्छा अच्छा तब तो ठीक है, अच्छा ये तो वैसे भी छोट वर्ग के तमाशा देखने के लिए आए होंगे तो ठीक है, ऊपर बैठ करके दिखाई भी अच्छा पड़ेगा। अब सारे लोग बैठ गए, श्री जानकी जी हार लेकर के आती है, जानकी जी को सुंदर सिंहासन पर बैठाया, और इधर श्री किशोरी जी श्री राम जी के चरणों को ढूंढ रही है। जैसे श्री राम जी को देखा जानकी जी नेत्र बंद कर लिए और श्री सिंहासन पर श्री किशोरी जी बैठी 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 है, और सारे राजा महाराजा लोग बैठे हुए हैं। और अब श्री महाराज जनक जी के दूतों ने, बंदी जनों ने अंदर अपने वाद्य यंत्रों के साथ में प्रवेश किया है। अब जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया सारे बंदी जनों ने, और आवाज लगाई कि हम ध्यान से सारे राजा महाराजा सुनिए कि हम जैसे ही श्री जनक जी की घोषणा सुनाएंगे उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो जनक जी के सारे बंदी जनों ने घोषणा की, क्या
दूतों ने आकर के घोषणा की कि हर जगह से पधारे राजा लोग, ध्यान से सुनना, ये जो धनुष सामने रखा है ये साधारण नहीं है। ये धनुष दिखने में भले छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव, इसका बल बहुत ज्यादा है और इसको जो भी राजा उठाएगा उसी के साथ में जानकी जी का विवाह होगा। बिना हटके ही जानकी जी उसका वरण करेगी, ऐसा बंदी जनों ने घोषणा की। और कितना कितना कठोर है, बोले इस धनुष को रावण और बाणासुर दोनों ने उठाने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी ये धनुष तिल बराबर भी हिला नहीं है, इसीलिए इस धनुष को आप साधारण मत मानना और जो उठा लेगा प्रत्यंच चढ़ा लेगा। देखो महाराज जनक जी की ये प्रतिज्ञा नहीं थी कि इसको तोड़ना है, उनकी ये थी कि इसको उठा करके इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा उसके साथ में जानकी जी का विवाह हो जाएगा। तो जैसे ये घोषणा सुनी बंदी जन तो चले गए। अब राजा महाराजा तुरंत तैयार हो रहे हैं कि देखो, मैंने आप मन में तैयारी कर रहे हैं कि देखो हमारी तारीफ बड़ी अच्छी की है जनक जी के दूतों ने। जनक जी के बंदी जनों ने यह भी कहा था कि आप लोगों की जो शक्ति है वो चंद्रमा के समान है। तो मानो भाट बंदी जन ये कहना चाहते है कि आपकी शक्ति चंद्रमा के समान है, चंदा की उत्पत्ति सागर से हुई है और सागर से ही उत्पत्ति लक्ष्मी जी की हुई है, इसलिए एक तरह से आप लोग सीता जी के भाई लगते हो, तो इसलिए जानकी जी के प्रति ये भाव को आप हटा दो। लेकिन राजाओं ने उल्टा सोचा है कि हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है ना, हमारा पावर बहुत ज्यादा है ना, देखो चांद के समान हमारी शक्ति की तुलना की है। अब सारे राजा महाराजा बैठे हुए है और इधर रावण ने शनि महाराज जी, रावण ने घोषणा की कि जो भी श्री राम जी के विवाह को टलवाएगा तो मैं उसे अपने बंधन से मुक्त कर दूंगा। जिस मुहूर्त में विवाह होना है उस मुहूर्त में वो मुहूर्त को टलवा देगा, मतलब धनुष नहीं टूटेगा तो श्री राम जी को शक्ति नहीं मिलेगी और शक्ति नहीं मिलेगी तो मेरा मरण होगा नहीं। तो उसने घोषणा की कि श्री राम जी का विवाह जो टलवाएगा उसको मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो शनि जी ने कहा कि भैया मुझे छोड़, मैं जाता हूँ, तेरा काम करता हूँ। अब शनि जी जैसे आए सूर्य नारायण भगवान ने पूछा कि बेटा इतना जल्दी रावण ने छोड़ दिया है, तो बोले पिताजी उसने ऐसे नहीं छोड़ा है, बोले तब, बोले उसने एक कारण से छोड़ा है कि मैं श्री राम जी के विवाह को कैंसिल करवाऊंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ा है। तो श्री सूर्य नारायण भगवान नाराज हो गए कि पागल देवता होकर के रावण का साथ देगा, तो पिता पुत्र में दोनों में लड़ाई छिड़ गई। शनि जी सूर्य के पुत्र हैं, अब दोनों में लड़ाई छिड़ी तो सभा में बैठे श्री विश्वामित्र जी की नजर ऊपर पड़ गई कि शनि जी और सूर्य नारायण में युद्ध छिड़ गया है। तब हर हाल में शनि जी की जो शक्ति है वो सूर्य नारायण की शक्ति से बढ़ना नहीं चाहिए, तो अपने गायत्री मंत्रों द्वारा सारी शक्ति विश्वामित्र जी भी सूर्य नारायण के पास में पहुंचा रहे कि हर हाल में आपका पलड़ा भारी रहे। इसीलिए यहाँ सभा में जो कुछ भी होता है उसमें विश्वामित्र जी को ध्यान नहीं है। और इधर रावण ने देखा कि शनि जी तो लटक गए हैं, तो तुरंत रावण ने कहा कि अब कौन जाएगा, तो रावण के कैद में राहु भी था। राहु ने कहा मुझे तुम छोड़ो, मैं जाता हूँ, तुम्हारा काम करके आता। अब राहु को जैसे ही छोड़ा तो राहु आया और धनुष की वेदिका के नीचे चिपक जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चिपक गया और ये काम खत्म हो गया है, राजाओं से उठा नहीं, श्री राम जी का काश तो राम जी के हाथ से ही संपन्न होना है, लेकिन फिर भी जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं वो हर सदकार्य को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते ही करते हैं। पर भगवान का चैलेंज होता है कि तुम बिगाड़ो, में तुम बिगाड़ने वाले को ही लगा दूंगा उसमें। तो श्री राम जी, सारे लोगों ने घोषणा सुन ली है और अब जनक जी ने खड़े होकर के कहा कि अब जल्दी से अपनी अपनी शक्ति को दिखाओ और विजय होकर के जानकी के द्वारा विजय माला पहनो। तो सबसे पहला राजा खड़ा होता है, गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी ऐसी कृपा करना कि ये धनुष मेरे हाथ से उड़ जाए। तो बार बार मना रहा है, अब पहुंचा धनुष के पास में और धनुष को पहले तो एक हाथ से उठाने का प्रयास कर रहा है लेकिन धनुष तिल बराबर भी हिल नहीं रहा है। फिर दोनों हाथ से प्रयास करा फिर भी नहीं हिला, फिर इधर से उठाने की कोशिश करे, उधर से उठाने की कोशिश करे, लेकिन धनुष उठना तो दूर की बात, तिल बराबर हिल भी नहीं रहा है। तो अंत में वो थक करके आकर के अपनी सीट पर बैठ गया और बैठने के बाद में फिर गणेश जी से प्रार्थना कराई, फिर श्री
गणेश जी से वो पहला राजा, जब दूसरा राजा उठ करके जा रहा है तो पहला राजा वापस प्रार्थना कर रहा है कि हे गणेश जी कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनो। तो गणेश जी ने कहा कि तेरा कहना तो मैंने माना नहीं है, तू क्यों मेरा सिर खा रहा है, तेरा नंबर तो गया ना। तो उस राजा ने कहा कि देखिए महाराज, पहले मेरी ये प्रार्थना थी कि धनुष किसी के हाथ मेरे हाथ से उठना चाहिए, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था आपसे, और अब इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर ये धनुष मेरे हाथ से नहीं उठा तो सभा में जितने भी लोग बैठे हैं एक के हाथ से भी धनुष उठना नहीं चाहिए। तो फिर क्या तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? बोले अगर एक के हाथ से भी नहीं उठेगा तो आप ही बताओ कि कोई भी राजा महाराजा कितने दिन तक अपनी बिटिया को कुंवारी बिठाएगा, आनंद पानन में उन्हें विचार करना ही पड़ेगा। तो फिर सारे राजा आपस में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में शायद मैं जीत जाऊं और मेरा नंबर आ जाए, और फिर जो लड़के जो जीत जाएगा आखिरी में लास्ट में जो बचेगा उसका वर्ण तो जानकी जी करेगी ना, तो शायद मेरा नंबर आ जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ गणेश जी कि मेरे हाथ से धनुष नहीं उठा तो सभा में जितने भी लोग बैठे हैं एक के हाथ से भी धनुष उठना नहीं चाहिए। गणेश जी का, अच्छा ठीक है तुम चुपचाप बैठो, देखा जाएगा बाद में। अब दूसरा राजा उठा, तीसरा उठा, चौथा उठा, पांचवा उठा, ऐसे करते करते सारे राजा लोग उठ गए हैं। और जो सज्जन राजा थे उन्होंने तो भैया हथियार पहले से ही फेंक दिए, कब से, जैसे श्री राम जी को देखा तो सज्जन राजा जो धर्मात्मा थे वो जान गए कि अंधकार दूर तभी होता है जब सूर्य नारायण आकाश में खिलता है, और सूर्य भले दिखने में छोटा है लेकिन सूर्य का प्रताप इतना रहता है कि वो जैसे उदय होता है सारे संसार में उजाला हो जाता है। तो सज्जन राजा ने कहा कि हमारे बस की बात तो वैसे ही नहीं है, वो पहले ही हार मान गए। अब सारे राजा लोग जब हार गए तो फिर राजाओं ने प्लान किया और 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष पर झपटे। तो महाराज जनक जी को क्रोध आ गया, खड़े होकर के जनक जी ने कहा कि राजाओं, जितनी मूढ़ता का और मूर्खता का परिचय आपको देना था आप सभी लोग दे चुके हो। पहली बात तो आप 10,000 मिल करके भी इसको उठाना तो दूर की बात है, तील बराबर हिला भी नहीं पाए, और बाय चांस कभी आप उठा लेते तो क्या 10,000 राजाओं के साथ में मैं अपनी बिटिया का विवाह करता? मेरा प्रण एक राजा के साथ में है, 10,000 राजाओं के साथ में नहीं है, तो तुम उठा भी लेते तब भी मैं ये विवाह नहीं करता। और मुझे आप समझ में पूरी तरह से आ गया कि धरती जो है ये वीर विहीन हो गई है, मुझे नहीं पता था कि इस धरती पर कोई वीर ही नहीं बचा है, अगर पहले पता रहता तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता। महाराज जनक जी दुखी हो गए और कहने लगे कि अगर मुझे पहले पता रहता तो ये प्रण मैं नहीं करता, अब क्या करूं, एक तरफ प्रण है धर्म है एक तरफ बिटिया है, अगर मैं बिटिया का विवाह कर दूं तो मेरा धर्म जाएगा, प्रण टूटेगा धर्म चला जाएगा, और धर्म को अगर मानूं तो मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। परंतु श्री जनक जी ने कहा कि धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता, भले ही बेटी कुंवारी रहेगी जीवन पर्यंत बेटी का पालन करूंगा लेकिन मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ सकता, इसलिए जहां जहां से भी आए हो राजाओं सब अपने अपने घर को चले जाओ, मैं जान गया कि भूमि का टुकड़ा वीर विहीन हो गया है। अब जनक जी भाषण है ना दे, राजाओं की तरफ देख करके दिए जा रहे हैं, बोल इधर रहे हैं और नजर किधर है, लक्ष्मण लाल जी पर है। क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण लाल जी क्या है, डंडा है, और डंडे पर झंडा लहराता है, दंड है, रघुपति कीरति विमल पताका। तो जनक जी सोच रहे कि डंडा उठे तब ना झंडा लहराएगा, तो इसलिए बोल तो इधर रहे, लेक्चर इधर दे रहे और बार बार लक्ष्मण लाल जी को देख रहे कि शायद जो साजर ये खड़े होंगे तब श्री राम खड़े होंगे, तो बार बार देखे जा रहे हो, इधर लक्ष्मण लाल जी तो गर्म हो ही रहे थे। अंत में जैसे जनक जी ने कहा कि वीर विहीन हो गया है भूमि का टुकड़ा, तो लक्ष्मण लाल जी को इतना जोर से क्रोध आया और तुरंत छलांग लगा करके मैदान में कूद गए, और लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि सावधान राजन, जितनी बड़ी बात आपने इस सभा में कह दी है ऐसी मूर्खतापूर्ण बात तो किसी सभा में रघुवंश का साधारण बालक बैठा रहता है वहां पर भी किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी बड़ी बात कहने की, तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आज इस सभा में रघुवंश के सूर्य श्री राम बैठे हैं और आपने ये कह दिया कि वीर विहीन हो गए भूमि का टुकड़ा।